हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़ दिस साइड। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो हाल फिलहाल में ना बच्चों के, सीएस के बच्चों के माइंड में आग की तरह फैल चुका है। हालांकि ये टॉपिक चल रहा था एग्जाम्स के पहले भी, जून 2023 के एग्जाम्स के पहले भी। जैसे जैसे बच्चों को शांत करा के एग्जाम दिलवाया, बच्चों ने एग्जाम दिया, लेकिन लास्ट 10 डेज थे, 10 जून से 20 जून, ये बच्चों के माइंड में बहुत तकलीफ दे रहा है कि सर अब करें क्या। क्योंकि सबको पता है कि फेब 2023 में नया सिलेबस आ चुका है, जिसकी पहली एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाली है। और ऐसे में जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जिन्होंने 2020, 21, 22 कभी भी रजिस्ट्रेशन किया था एग्जीक्यूटिव में, उनको तकरीबन 2-3 अटे मिलेंगे। बात एग्जाम्स की नहीं है, बात ये कि सर उन्होंने एक ग्रुप अभी दिया है ओल्ड में, अब उनको लगता है सर कि न्यू सिलेबस में एडवांटेजेस बहुत सारे हैं तो न्यू में जाना चाहिए, ओल्ड में कुछ एडवांटेजेस है, तो ये समझ नहीं पा रहे कि हम करें क्या। और बच्चों की वैरायटी बहुत सारी है, मतलब आज हम बात करेंगे डिटेल में कि बहुत सारे बच्चों की वैरायटीज है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने बोथ ग्रुप जून में दिया, कुछ लोगों ने एक ग्रुप जून में दिया दिसंबर में दूसरा देने वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी ग्रुप दिया ही नहीं है अब दिसंबर में देने वाले हैं, तो वो क्या करें। किसी ने एक ग्रुप पास कर लिया है ओल्ड या न्यू, है ना, ग्रुप वन या ग्रुप, मतलब कुछ तो भी ऐसे बहुत सारे वैरायटी और बच्चे हैं जिन लोगों के साथ ये डायलमा चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे, सारे क्वेश्चन के आपको आंसर दे दूंगा, 15-20 मिनट के ऊपर वीडियो जाएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा। एंड यस, लाइक जरूर करिए वीडियो को अगर आपको लगता है, एंड सबको शेयर करिए, क्योंकि डिटेल वीडियो होगा तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। कुछ अगर क्वेश्चन रह जाएंगे, आपको लगता है तुषार सर आपने हर टॉपिक कवर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। लेकिन उसके पहले बता दूं आप लोगों को कि इंस्पायर एकेडमी स्टार्ट कर रही है 23 जून से, दैट इज परसों से, फेस टू फेस क्लासेस फॉर ओल्ड एंड न्यू सिलेबस दोनों। आपको बताइए ओल्ड और न्यू सिलेबस में 3 सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट कॉमन है, कंपनी लॉ, JIGL, और ओल्ड में SBC था, उसका नाम अभी बदल के SBIL हो गया है। तो मयूर सर आपके ऑब्वियसली 70% पोर्शन तो सेम है, वो कवर करा देंगे। मेरे कंपनी लॉ में 90% पोर्शन सेम है, कुछ कुछ कंटेंट SBC से आ गया तो वो सेम है, और JIGL में तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 2-3 चैप्टर EBCL से उठ के यहाँ पे आ गए। तो ऑलमोस्ट मान लो ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है, बस फर्क क्या हुआ है, एक अकाउंट्स आ गया है जो ग्रुप टू में था, जो कि हमारे बेहतरीन टीचर राज सर पढ़ाते हैं, और ओल्ड में एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था टैक्स, जो कि अब ग्रुप टू में गया लेकिन सलीम सर पढ़ाते हैं। तो एक सब्जेक्ट का आपको स्विचिंग मिलेगा, वो भी हम लोग पूरा प्लान बता दूंगा आपको मैं। लेकिन यस, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू क्लासेस, द फ्रेश क्लासेस फॉर December 23 एग्जाम्स। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमको फेस टू फेस पढ़ना है पुणे आकर के विद ऑल दिस ग्रेट फैकल्टीज, तो डेफिनेटली पुणे आइएगा। और ऐसे ग्रुप टू भी शुरू होने वाला है अगले महीने, दैट इज अराउंड 15-20 जुलाई के आसपास, जिसमें कि शुभम सर, मयूर सर और सलीम सर आपको पढ़ाएंगे ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स, वो भी कवर होगा। और जिसको लगता है सर पुणे नहीं आ सकते, उनके लिए हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, और ऑफर्स के मुताबिक अगर आप अभी भी डिस्काउंटेड रेट पे क्या कर सकते हो, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव ले सकते हो, मतलब आप ये मान लीजिए तकरीबन कि आप 10-11 हज़ार में ही क्या कर सकते हो, ऑलमोस्ट लेक्चर्स ले सकते हो। ऑब्वियसली एड ऑन होगा, उस पर रहेगा, लेकिन ये ग्रुप वन हो या ग्रुप टू हो, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट गाइस। तो नीचे में आपको नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, ये सारे नंबर्स, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स फटाफट ले लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फेस टू फेस क्लासेज में जरूर आएंगे 23 जून से। लाइव डेमो तो अपने अटेंड कर ही सकते हो एटलीस्ट 2-3 दिन यूट्यूब पे, एंड देन यस फायदा आपको जरूर से होगा, राइट गाइस। चलो, तो विल नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्लासेस होगी, बट सर क्लासेस तो आप करोगे ना, जो पहले डिसाइड हो जाएगी करना क्या है ना, आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है, आप कर क्या रहे हो, आपके लिए कुछ एडवाइस। ये वीडियो थोड़ा लेट इसलिए बन रहा है क्योंकि इंस्पायर एकेडमी के सारे फैकल्टी ने बैठ के डिस्कस किया एक बार कि हाँ यार क्या सजेशन दिया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली एक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। सो यस, सामने स्क्रीन पर हम देखेंगे। तो हम लोग पहले बात कर रहे थे न्यू एंड ओल्ड में डिफरेंस क्या क्या है। बहुत सिंपल से मैंने आपको लोग एनालिसिस देख के रखा होगा, बहुत सीधी थी। न्यू सिलेबस की बात करें तो कितने सब्जेक्ट्स आपको बताइए, 7, ओल्ड में आपको 8 सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। तो यार 100 मार्क का सब्जेक्ट मतलब तकरीबन 200 घंटे का रेगुलर कंटेंट और उसका रिवीजन मैराथन, मतलब सब मिला करके 300 घंटे एक सब्जेक्ट बीच जाते हैं आपके, हमारे सबके, है ना। रेगुलर क्लासेस पढ़ना, 180-200 आवर्स के लेक्चर सारे फैकल्टीज के होते हैं। उसके बाद आप लोग जब रिवीजन करते हो, मैराथन करते हो, टेस्ट सीरीज की पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो एक बच्चा नॉर्मली एक सब्जेक्ट बीच 350-400 घंटे दे देता है सेल्फ स्टडी और सब मिला करके। उतने एक आपके उतने मैन आवर्स कम हो जाएंगे और वो क्वालिटी आवर्स किस पे जा सकते हैं, न्यू सिलेबस में। तो एक ये डिसीजन मेकिंग वाला रीजन हो सकता है। बट इसको लगता है मुझे MCQ ज्यादा पसंद है, भले वो निगरी मांगी क्यों ना, MCQ पसंद है। तो फिर ओल्ड में वो आपको मिलता था 3 सब्जेक्ट MCQ थे, न्यू में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क का MCQ दिया है, और वो MCQ ऐसा लल्लू वाला MCQ नहीं, जैसे कंपनी में पढ़ाता हूँ तो उस पर ऐसे नहीं पूछेंगे कि द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द प्राइवेट कंपनी आर 1, 2, 3, 4, और फिर आपने 2 टिक कर दिया और बात खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं आएगा।
दे विल बी गिविंग अ केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे। ये बात आपको मैं बता दूं क्योंकि आईसीएसई के मॉड्यूल के पीछे में ही दिया हुआ है, तो ये बहुत क्लैरिफाई कर दूं। ये तो लोगों को लगता है सर एमसीक्यू मतलब लॉलीपॉप समान 20 मार्क तो ऐसे मिल जाएंगे, दैट्स नॉट अ इशू। हम लोग मेहनत करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी केक वॉक टाइप एमसीक्यू, ठीक है। फिर एग्जाम्स आपको बताइए कि दिसंबर 2023 में आपको न्यू सिलेबस के एग्जाम देने मिल जाएगी, ठीक है ना। आईसीएसई के विजन के बारे में मैंने बताया, सेट ऑफ न्यू सिलेबस में अगर आप अभी दिसंबर में देते हो एक ग्रुप अगर, तो पॉसिबल नहीं है। ओल्ड सिलेबस में अभी भी पॉसिबल है, तो बट वो ओल्ड वालों की बात हो रही है, ठीक है। पहले बताओ जो न्यू वाले बच्चे जो आए ही फिर 2023 के बाद है, वो तो वीडियो फिट करके जा सकते हैं, ठीक। उनके लिए कोई रेलेवेंट नहीं, क्योंकि उनको मैं ये बताने वाला हुई नहीं कि आपके लिए क्या है, ये तो सिर्फ उनके लिए है जिनका ओल्ड सिलेबस में रजिस्ट्रेशन था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफेशनल से सिंह बहुत है, लास्ट में अगर आप देखेंगे ना तो प्रोफेशनल में सिंह बहुत है, मतलब जैसे आपको SBIL में लेबर लॉज दी है, प्रोफेशनल में लेबर लॉज का सब्जेक्ट प्रॉपर दिया हुआ है ना। एग्जीक्यूटिव में आपको IPR दिया हुआ है, प्रोफेशनल में वही सब्जेक्ट का क्या है, आपको एक सब्जेक्ट है पूरा, है ना। IBC के बारे में बहुत सारा कुछ है आपके एग्जीक्यूटिव में, वही आपको फ्यूचर में IBC सब्जेक्ट है जो शुभम सर पढ़ाते हैं, है ना। रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कॉन्टेंट दिया हुआ है, ड्राफ्टिंग के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम जो है कंपनी लॉ, उसका पूरा नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा और उसके एक्सपेक्टेशन आपसे किया जाता है प्रोफेशनल में। तो सिंह बहुत है न्यू सिलेबस का विथ प्रोफेशनल, तो आगे जब आप जाओगे प्रोफेशनल में तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। और कोचिंग सपोर्ट सबसे मेन, क्योंकि आज की बात सब होगा क्या, अक्टूबर के बाद जब मैराथन शुरू होंगे दिसंबर बैचेस के लिए, मेजर एकेडमीज विल बी नाउ फोकसिंग ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैराथन्स ऑफ न्यू सिलेबस। हालांकि न्यू पढ़ा करके ओल्ड कवर हो जाएगा जो मैंने पहले बताया, बट टेस्ट सीरीज है ना, मैराथन्स या फिर कोचिंग सपोर्ट जो मैंने बोला आपको, ये मेजरली कहाँ मिलेगा आपको, न्यू सिलेबस का, क्योंकि ये सब बच्चे नॉर्मली न्यू में आ रहे हैं और ओल्ड में भी कई बच्चे न्यू में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक डिफ्रेंशिएशन है जो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प कर सकता है। बट आप क्वेश्चन ये नहीं है, जस्ट ये देख के डिसाइड मत करो आप कहाँ खड़े हो, ये देखना है। तो यहाँ से आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हु शुड चूज न्यू सिलेबस, मतलब कौन से कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं जो न्यू में जाने की आपके पास प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैंने कैटेगरी बनाई है जिन्होंने अब तक एक भी ग्रुप दिया ही नहीं दिया है। और अगर आपने एक भी ग्रुप दिया नहीं है और दिसंबर में आप बोध ग्रुप देना चाहते हो, अगर अभी पढ़ाई हो रखी है तो करना क्या बेटा, जैसे मान लो आपकी कंपनी में पढ़ाई हो चुकी है, ओल्ड में पढ़ी होगी आपने, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू में देख लो दो तीन चैप्टर आगे पीछे होंगे, उतना एक एडवांस कर लिया काम हो सकता है। JIGL पढ़ लिया होगा, एक दो चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ सकते, एक दो चैप्टर कम पढ़ने पड़ेंगे। SBEC हुआ होगा, SBEC का जो क्लोजर सेक्शन है वो कंपनी में आ चुका है और वहाँ पे IL घुस गया है, इंडस्ट्रियल लेबर लॉस, तो वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। FM आपने पढ़ाई था ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में आप FM पढ़ सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे की जिन्होंने एक भी ग्रुप दिया नहीं है, और अगर दिसंबर में एक ग्रुप देना चाहते हो, सुनना मेरी बात अच्छे से, दिसंबर में आप एक ग्रुप देना चाहते हो और अगले साल जून में 2024 के जून में सेकेंड ग्रुप देना चाहते हो, तो सर वैसे भी आप एक साल और स्पेंड करने वाले हो। अगर आप ओल्ड में स्पेंड करोगे, जून 2024 आपका आएगा और यू नो द सिस्टम ऑफ अवर कोर्स, अगर गलती से दिसंबर 2024 की नौबत आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए बट आ गई, तो फिर आपको मजबूरी में तब क्या होना पड़ेगा, न्यू में शिफ्ट। तो ये सब ना हो, इसलिए अगर आपने एक भी ग्रुप नहीं दिया है, आप बिल्कुल ग्रुप के हिसाब से न्यू में शिफ्ट हो सकते हो। यू कैन इवन गिव बोथ ग्रुप्स इन दिसंबर और यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स इन जून ऑल्सो 2023, और वहाँ पे पास भी हो जाओगे। एनी हो, आप 2023 के दिसंबर में एक ग्रुप दे रहे थे, 24 में दूसरा दे रहे थे, तो वो लॉजिक लगाकर आप न्यू में शिफ्ट हो सकते हो, है ना। सब्जेक्ट की पढ़ाई हो गई है, और नहीं भी हुई है तो मैं जैसे बताया हमारे बैचेस शुरू हो ही रही है, उस पर आप अटेंड कर सकते हो। तो पहला कैटेगरी जिन्होंने ग्रुप दिया ही नहीं है वो बिल्कुल न्यू में जाने की सोच सकते हैं, ठीक है। मैं ये सब सकते हैं बोल रहा हूँ, कोई कंपल्शन नहीं। किसी को लगता है सर मैं क्यों दूँ, मैं तो दिसंबर में एक ग्रुप देने वाला हूँ और वो पास होने ही वाला हूँ, मैं नहीं जाऊँगा न्यू सिलेबस में, तो वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है ना। दूसरा जो मैंने अभी बताया आपको, कोई एक ही ग्रुप देने वाला है दिसंबर में तो वो जा सकता है, और जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सुनना, जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए किसमें, अब जून 2023 में, और उनको ये क्लियर मालूम है, क्योंकि देखो यार बच्चों को मालूम पड़ जाता है कैसा पेपर आया था, कैसा सॉल्व किया था। इफ दे आर श्योर कि सर हमारा चांसेस एग्जाम पास होने की क्या है, कम है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली दिसंबर में या जून में, क्योंकि बोर्ड ग्रुप की पढ़ाई हो रखी है आपकी, आपको पता ना क्या नहीं आता है, FM आता है जो ग्रुप 1 में आ चुका है, CA में आता है जो ग्रुप, आपको थोड़ा बहुत NCQ की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, अब आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रास्ता रही है, फिकर की क्या बात है, ठीक है ना। EBCL आपने पढ़ लिया है, थोड़ा सा सब्जेक्ट का नाम बदल के आप EBICL वगैरह कुछ हो गया, तो दो तीन चैप्टर यहाँ वहाँ, शुभम सर पढ़ाते हैं आपको SLCM, अब उसका नाम SLCM हट के CMSL हो गया, तो SL आगे चला गया, सिक्योरिटी लॉ CMSL बन गया, तो और शुभम सर है तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। वैसे ही मैंने बताया कंपनी लॉ JIGL तो ऑलमोस्ट सेम है, तो सब्जेक्ट तो भाई ये टैक्स ग्रुप 2 में चला गया है,
सो इफ यू हैव गिवन बोथ ग्रुप्स इन जून, इफ यू आर नॉट श्योर कि सर हमारा पास होगा कि नहीं होगा, और आपको एमसीक्यू से डर लगता है, आपको लगता है सर कि एमसीक्यू टिक करने के बाद निगेटिव मार्किंग में सर हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं बेवजह, किसी का अगर एमसीक्यू थोड़ा सा वीक पॉइंट है तो वो क्या कर सकता है, ही और शी कैन डिसाइड टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स इन डिसंबर इन न्यू सिलेबस। आप कर सकते हो, टाइम बहुत है, अभी जून एंड होना है, आज 21 जून है, एग्जैक्टली 6 महीने बाद 21 दिसंबर को आपकी एग्जाम शुरू हो रही है, कंप्लीट 6 मंथ्स आपके पास में, तो पॉसिबल बिल्कुल है, ठीक है ना। अब किसने सर ओल्ड में रहना चाहिए, किसने ओल्ड में रहना चाहिए, जिसका एक ग्रुप भी क्लियर हो चुका है ना ओल्ड में, भाई साहब आप एक ग्रुप के लिए मत करो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मेरे पास कुछ FAQs है, ठीक है, तो मैं आपको ये पूरे FAQs दिखाऊंगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, बट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बहुत है, तो अगर आपने एक ग्रुप दिया है, एक ग्रुप क्लियर है, तो फिर आप सेकेंड ग्रुप भी किस पे दे सकते हो, ओल्ड में, आप ओल्ड में रहना चाहिए इससे मेरा मानना है, ठीक है ना। स्टडीड बोथ ग्रुप्स, पूरा पढ़ाई कर ली और आपको लगता है सर मेरे को पूरी पढ़ाई आती है, अब मैं MCQ से क्यों शिफ्ट हूँ कहाँ पे, न्यू सिलेबस में पूरी पढ़ाई हो चुकी है और अच्छे से आता है, तो नहीं आता है सीख ही रहे हो, कोचिंग लगाने ही वाले हो इंस्पायर एकेडमी में जो चालू हो रही है अभी से, या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेने वाले हो, तो फिर तो आप सर न्यू में ही ले लो, बट अगर आपकी पूरी पढ़ाई हो रखी है, सर हम तो जनवरी में आए थे पढ़ाई करने, जैन से जून तक के सर हमारे 6 महीनों में ना पूरे सब्जेक्ट पढ़ के हो गए, अगर ऐसा है तो बस घर बैठ के रिविजन करनी, तो आप ओल्ड में ही रह सकते हो, पढ़ना चाहते हो आ जाओ, है ना, पढ़ा देंगे, ठीक है ना। सो एनीवेज, तो ऐसा है, आपको ध्यान रखना है। अब मेन सर ये है, कैसे करें शिफ्ट, कैसे करें, एक ग्रुप दिया है और नॉट श्योर है, अब क्या करें सर, पास हो गया पे तो बात अलग थी, एक ग्रुप दिया भी है, रिजल्ट 25 अगस्त को आएगा, पता नहीं सर पास होंगे कि नहीं होंगे, और ऐसे में ग्रुप की पढ़ाई शुरू करें कि नहीं करें, इनके लिए मेरे पास में एक पूरा चार्ट निकाल के रखा है मैंने, ऑब्वियसली ICSE की वेबसाइट से निकाला है, आप भी FAQs निकाल सकते हो, ठीक है ना। यू नो दिस सब्जेक्ट, पता ही आपको अच्छे से, GIGL वैसे ही है, नाम थोड़ा बदल गया है, कंटेंट थोड़ा बदल गया है, कंपनी लॉ पहले होता था सर, उसका नाम अभी कंपनी लॉ प्रैक्टिस हो चुका है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड क्लोजर था, अब उसमें लेबर लॉज एंड इंडस्ट्री लॉ थोड़ा बहुत आ चुका है, तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और CAFM थोड़ा बहुत, CA में जो रासर पढ़ाते हैं, और थोड़ा बहुत FM, SM हट चुका है, वो गया प्रोफेशनल में, तो 50 मार्क का FM ले लिया, 50 वो सर बताएंगे आपको एग्जैक्ट ब्रेकअप, बट यस थोड़ा बहुत CA में, थोड़ा बहुत FM का मिक्सर करके CAFM सब्जेक्ट बना दिया है, 400 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट बहुत इजीली। ग्रुप टू में पहले भी SLCM था, नाम मैंने बदल दिया था, उल्टा कर दिया, SL पीछे चला गया, CM आगे आ गया, SLCM का CMSL है, और ऑलमोस्ट वैसे ही है, एक आधो चैप्टर ऑब्वियसली आगे पीछे तो रहने वाले। EBCL था, उसमें मैंने बताया था आपको IPR बहुत घुसा दिया, एंड चूंकि आप IPR कर रहे हो एग्जीक्यूटिव में, तो आपको प्रोफेशनल में भी IPR आने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो IPR घुसा दिया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें, और सबसे साथ में टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, जो मैंने बताया था ग्रुप 1 में था, वो इनकम टैक्स एंड GST है, तो ये सातों सब्जेक्ट आपको आ चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैंने पहले बता दिया था आपको पहला पेपर चालू होगा, और मैंने बताया था लास्ट एग्जाम जून 2024 में, तो क्या होगा ना, ओल्ड वालों को सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, दिसंबर और जून 2024, तो वही दिक्कत है, अगर जिस गलती से अगर जून 2024 के आगे जाने की नौबत आ रही है, तो फिर सर आपको दिसंबर में ना अगले साल न्यू में आना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा अभी आ जाओ, अगर आपका एक भी ग्रुप दिया नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक ग्रुप दिया है नहीं दिया है, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो देखो यहाँ पे दिया हुआ पूरा एग्जम्पशन वाइज, ठीक है ना। इससे अच्छा मैं आपको ये नहीं दिखाते हुए ये दिखाता हूँ नीचे, चलो ठीक है, लेट्स गो डाउन, यहाँ चलते हैं। मान ले आपने मॉड्यूल 1 दिया है या मॉड्यूल 1 पास हो चुका है किसी का, तो उसको ग्रुप 2 में क्या देना पड़ेगा, न्यू सिलेबस में सिक्योर पे न्यू में क्या देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा ग्रुप 1 से CAFM, क्योंकि ओल्ड में ग्रुप 2 में CAFM था, तो आपको देखो एक बात तो ध्यान रखना, अगर कोई ओल्ड से न्यू में शिफ्ट हो रहा है तो उसको बोथ ग्रुप का फॉर्म भरना पड़ेगा, ये तो तय है, एग्जाम फॉर्म बोथ ग्रुप का भरना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। बस ये है कि ग्रुप 1 में आप क्या दे सकते हो, अकाउंट्स वो आप दे सकते हो जो ग्रुप 1 में, क्योंकि ग्रुप 2 में आपके CAFM था वो हो गया, और ग्रुप 2 में जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स आपके कौन से, CMSL, यानी 7 में से आपके 4 सब्जेक्ट एग्जम्प्ट है, क्योंकि आपने ग्रुप 1 दिया हुआ है तो टैक्स एग्जम्प्ट है, तो ग्रुप 2 का टैक्स देना नहीं है आपको न्यू सिलेबस का, और ग्रुप 2 के ओल्ड वाले का आपको ग्रुप 1 में जाके अकाउंट्स एंड FM देना पड़ेगा, तो ये उनके लिए है। और जिनने ग्रुप 2 दिया होगा अभी जून में या लास्ट दिसंबर में ग्रुप 2 दिया था, वो 2 सब्जेक्ट CAFM वो पूरा पढ़ लिया आपने, EBCL और आपका दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, SLC, ये 4 सब्जेक्ट आपने दे दिया, अब आपने 4 दिए हैं तो आपको न्यू में कितने देने पड़ेंगे, देखो वापस से है ना, 4 तो देने पड़ेंगे आपको, ग्रुप 1 में GIGL, कंपनी लॉ और SBC, ये तो 3 तो कन्फर्म्ड है, और ग्रुप 1 में टैक्स था आपका, तो आप जो ग्रुप 2 में आ गया तो आपको ग्रुप 2 का भी फॉर्म भरना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले बोला आपको फॉर्म तो आपको बोथ ग्रुप का देना है,
है ना, बस पेपर आपको चार, वो बहुत रूल सिंपल सा है, इफ यू हैव गिवन मॉड्यूल टू तो आपको चार पेपर देने हैं क्योंकि मॉड्यूल में चार है। अगर आपने मॉड्यूल वन पास किया तो वो ग्रुप टू में सिर्फ तीन दे रहे, तो जिनने मॉड्यूल वन दिया है वो न्यू सिलेबस में ग्रुप टू में जा सकते हैं, क्योंकि सोचो ओल्ड में ग्रुप टू में रहोगे तो चार सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, न्यू में ग्रुप टू में आओगे तो तीन देने पड़ेंगे, तो ये एक एडवांटेज बहुत बड़ा मिल सकता है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, आपके में से कई लोगों के लिए सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। और किसी ने गलती से एक बार, अगर गलती से भी गलती से या जानबूझ के या इंटेंशनली एक बार स्विच ओवर किया, फिर आप वापस ओल्ड में नहीं आ सकते, सोच लो जल्दबाजी नहीं है, एग्जाम फॉर्म भरने के पहले तक आप डिसाइड कर सकते हो। और आपको शायद पता भी होगा इसकी पूरी लिंक्स विंक्स आपको मिल जाएगी, है ना, इजीली। किसको चाहिए तो यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सीएस तुषार पहाड़, यहाँ पे नीचे लिंक भी आपको मिलेगी, तो मुझे डीएम कर दीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू दिस लिंक टू स्विच ओवर, आप लिंक कर सकते हो, या फिर आपको पता ही आपका जो वेबसाइट है जहाँ पे आप जाते हो ना स्मैश वाले में, है ना, जहाँ से आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, स्मैश पोर्टल जाइए और वहीं से आप क्या कर सकते हो, आराम से ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई गेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा मैंने आपको समझाया, तो दिस वॉज समथिंग फ्रॉम माई साइड आई गेस, तो ये सब दो तीन बातें मैंने आपको समझाई है। एंड वन मोर टाइम आई टेल यू, हमारी न्यू बैचेस शुरू हो रही है 23 जून से, मॉड्यूल वन की, मॉड्यूल टू की, तो डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हैं। जुलाई में अगर किसी को लगता है कि सर हमको मॉड्यूल टू भी पढ़ना है, तो जुलाई में वी विल स्टार्ट मॉड्यूल टू ऑल्सो, जहाँ पे शुभम सर, मयूर सर और सलीम सर टैक्स पढ़ाएंगे, तो वो ग्रुप टू में शुरू होगा। फिलहाल मॉड्यूल वन की हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है, ओल्ड एंड न्यू दोनों के लिए। और जिनको नहीं आना है, पुणे में नहीं आ सकते रादर, वो लोग गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव लेकर के लेक्चर्स पढ़ सकते हैं अभी भी, ठीक है ना। तो यस, दिस आर द ऑफर गोइंग ऑन एंड यू कैन क्विकली अवेल, नीचे आपको नंबर शो हो रहे होंगे, या फिर यू कैन इवन आस्क द लिंक ऑल्सो टू माई डीएम, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। एंड आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन आपको लगता है सर मैंने कवर नहीं किए, जो मुझसे अनजाने में रह गए होंगे, तो प्लीज़ नीचे डीएम करके बता दीजिएगा, और हो पाया तो फिर मैं दो तीन दिनों बाद इसके इंस्टाग्राम पे भी लाइव लेके आ जाऊँगा। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस तो बिल्कुल डालिएगा, एंड यस लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, एंड डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट सबको ये मालूम पड़े कि ओके इस तरह से हम लोग स्विच ओवर के बारे में सोच सकते हैं। स्विच ओवर करना एक बहुत बड़ी डिसीजन है ना, तो ऐसा ना हो सके डिसाइड किया और बाद में गलती से या फिर मिस्टेक हो गई और आपको पछताना पड़ रहा है, तो ऐसा ना करो, इसे सोच के भले 2-4, 10 दिन, 15 दिन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट गाइस, चलो तो विल सी यू सून, कुछ और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, एंड यस मिलते हैं वापस से परसों, सी आपके ग्रुप वन के सॉरी क्या बोलते डेमो लेक्चर्स के लिंक कहाँ आएंगे सर, नीचे ग्रुप पे आपको टेलीग्राम की चैनल मिल जाएगी, वहीं जाइए फटाफट से एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू, एंड मिलते हैं वापस से बहुत जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।